हेलो फ्रेंड्स, तो ये आज चंडीगढ़ में हमारा दूसरा दिन है। तो कल हम सुखना लेक गए थे और आज हम आए हैं रॉक गार्डन। तो यहाँ पर मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये हाई कोर्ट की पेड पार्किंग है, जहाँ पर जो शुल्क लिया गया है वो 30 रुपये है। वैसे तो रॉक गार्डन की अपनी एक पार्किंग है, जहाँ पर आप गाड़ी को फ्री ऑफ कॉस्ट पार्क कर सकते हैं, लेकिन आज संडे के दिन रश ज़्यादा होने की वजह से हमें गाड़ी को पेड पार्किंग में पार्क करना पड़ा। तो कुछ इस तरह से आप रॉक गार्डन की पार्किंग में अपनी गाड़ी को फ्री ऑफ कॉस्ट पार्क कर सकते हैं। और गाड़ी को पार्क करने के बाद आप जैसे जैसे रॉक गार्डन की तरफ को बढ़ते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से फूड स्टॉल्स देखने को मिलेंगी, जहां पर आप फास्ट फूड का आनंद ले सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको कुछ बच्चों के खिलौनों की दुकानें भी मिल जाएंगी, जहाँ से आप बच्चों को टॉयज़ इत्यादि दिला सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें एक बड़ा सा पत्थर नज़र आता है, जहाँ पर लिखा गया है कि परिकल्पनाओं के इस संसार रॉक गार्डन के जो रचनाकार हैं वो श्री नेकचंद जी हैं। और किस तरह से नेकचंद जी ने इस रॉक गार्डन का निर्माण किया वो भी हम बताने वाले हैं आपको आज की इसी वीडियो में। काफ़ी दूर दूर से लोग इस रॉक गार्डन को देखने के लिए चंडीगढ़ आते हैं, और अगर आप भी रॉक गार्डन को देखने के लिए आना चाहते हैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है रॉक गार्डन में दिखाई गई है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो एंट्री फीस है वो 3 साल से 10 साल के बच्चों तक 10 रुपये और उसके ऊपर 30 रुपये देनी होगी। देखिए, कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मार्किंग भी की गई है, और आपको एंट्री के लिए इस विंडो से एंट्री टिकट्स लेने ज़रूरी हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने और टिकट्स ले लिए हैं, तो हमने 3 एडल्ट्स के लिए और 1 चिल्ड्रन के लिए टिकट, टोटल 4 टिकट्स लिए हैं। तो जैसे ही आप टिकट्स लेते हैं उसके बाद एंट्री पॉइंट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये टिकट्स वेरीफाई कराने होंगे। रॉक गार्डन के हर दरवाजे पर आपको सर झुकाकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये एक तरह से देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए इस रॉक गार्डन की परिकल्पनाएं की गई हैं। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि ये बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट है, मतलब कि बेकार सामान को यूज़ करके यहाँ पर उसको अच्छे सामान में कन्वर्ट किया गया है। आपको ये कुछ प्रतिमाएं दिख रही हैं, कुछ मूर्ति की शेप में जो पत्थर दिख रहे हैं, आपको लगेगा कि ये तराशे गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्री नेकचंद जी ने इन एक एक पत्थरों को नदी नालों से ढूंढ ढूंढ कर लेकर आए हैं और इनको इनकी ओरिजिनल शेप में यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देखिए कि कितना क्रिएटिव माइंड उन्होंने इसके पीछे लगाया। उनकी परिकल्पनाओं में एक अलग ही संसार था। वो एक एक पत्थर ऐसा लेकर आते थे जिसमें कि कोई ना कोई आकृति आपको देखने को मिलेगी। रॉक गार्डन में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस और कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगी। और ये देखिए, जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें कुछ इस तरह की दीवार देखने को मिलती है। ये आपको जो मटेरियल इसमें लगाया गया है, किसी इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल लेकर इस दीवार को बनाया गया है। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको कुछ इस तरह के घड़ों से बनी हुई दीवार नज़र आएगी, लेकिन उनकी परिकल्पनाओं में ये दीवार किसी वाद्य यंत्र से कम नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस दीवार में छोटे बड़े सभी तरह के घड़ों को लगाया गया है, जिनसे कि अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं। और हर जगह आपको दीवार पर ऐसे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे कि आप दीवार पर ना लिखें, क्योंकि ये विजिटर्स जो भी आ रहे हैं उन सभी की प्रॉपर्टी है और उन सभी का दायित्व तो है कि आप इसको अच्छे से मेंटेन करके रखें। तो नेकचंद जी जो थे वो एक सेल्फ टॉट इंडियन आर्टिस्ट थे, मतलब उन्होंने किसी से कुछ सीखा नहीं। जो भी परिकल्पनाएं उनके मन में आती रही, जो जैसा कि उनका नेचर से जुड़ाव था, उन्होंने उसको फिजिकली कन्वर्ट करते चले गए। और यही वो हट है जहां पर कि नेकचंद जी बैठकर अपनी परिकल्पनाओं को वास्तविकता में परिवर्तित करते थे। नेकचंद जी का जन्म 15 दिसंबर 1924 में हुआ था और जो उनका स्वर्गवास है वो 12 जून 2015 में। तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी परिकल्पनाओं को जैसे वास्तविकता में
कन्वर्ट किया है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। जब तक दुनिया रहेगी, मतलब रॉक गार्डन रहेगा, तब तक उनका नाम रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी पत्थरों से ये दीवार बनाई गई है, ये सब नेचुरली कलेक्ट करके उनके द्वारा इस दीवार को तैयार किया गया है। और आगे आगे आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग तरह के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और बहुत जगह तो चूने के पत्थरों से इस दीवारों को बनाया गया है, कहीं पर इंडस्ट्री से निकले वेस्ट कोयले को यूज़ करके उससे दीवारों का निर्माण किया गया है। तो पूरे रॉक गार्डन में जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, हमें इस तरह का छोटा छोटे से झरने जो हैं पहाड़ों से रिसाव जो हो रहा है पानी का, ये भी उनकी परिकल्पनाओं का एक अहम हिस्सा है, जिसमें कि उन्होंने देखा था कि एक साम्राज्य है जहाँ पर पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गाँव है, गाँव से रिसता हुआ पानी, पहाड़ों से रिसता हुआ पानी बाद में धीरे धीरे से एक बड़े से झरने में कन्वर्ट हो जाता है और वो झरना से निकला पानी नाले में जाकर एक नदी में मिल जाता है। तो आप रॉक गार्डन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो झरना आपको सामने देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही उस झरने के पास आप जाते हैं तो समझिए कि आप एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जो कि स्पेशली आपके लिए ही बनाई गई है, आपके स्वागत के लिए एक स्वागत कक्ष बनाया गया है, जहाँ पर आज के टाइम में काफ़ी लोग आकर सेल्फी लेते हैं। एक सेल्फी पॉइंट ये बना है, लेकिन उनकी इमेजिनेशन को अगर आप देखें कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पर काम किया है, उसको थोड़ा सा समझे तो ये एक अलग ही कहानी बताती है। ऊपर से गिरता हुआ ये झरना एक अलग ही कहानी बताता है, कि जैसे कि राजा के दरबार के सामने का वो दृश्य जहाँ से कि एक झरना बहता हुआ दिखता है, बिल्कुल वो वाली थॉट्स को रखते हुए ये झरना यहाँ पर गिर रहा है। और आप भी इसको अपनी इमेजिनेशन से जोड़कर देखिए, इस झरने के सामने से जो व्यू दिखता है वो शब्दों में बताना बिल्कुल असंभव है। तो इस झरने से जो गिरने वाला पानी है वो धीरे धीरे आगे जाकर छोटे छोटे नालों में भी मिलता है, और वो नाले एक बड़ी सी नदी में जाकर मिल जाते हैं। ये सब एक इमेजिनेशन है, जिसको कि आप गौर से देखेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। जब इस झरने से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें दो चट्टानों के बीच से निकलना होगा। यहाँ पर एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है। इस छोटी सी दरार के दोनों साइड आप देखेंगे तो किस तरह से चूने के पत्थरों का यहाँ पर अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हुए इस पहाड़ी का निर्माण किया गया है। वाकई अगर आप भी क्रिएटिव माइंड रखते हैं तो आप श्री नेकचंद जी की परिकल्पनाओं को समझ सकेंगे, और आपको कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने का जो मार्गदर्शन है वो यहाँ से डेफिनेटली मिलने वाला है। रॉक गार्डन का निर्माण करने में नेकचंद जी को स्टार्टिंग में पूरे 18 साल का समय लगा, और इन 18 साल में जितना भी काम उन्होंने किया, ये किसी को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि एक अलग ही साम्राज्य जंगलों में उभर रहा है। लेकिन जब वन विभाग के अधिकारियों को इस चीज़ का पता लगा तो नेकचंद जी की सल्तनत पर एक खतरा मंडराने लगा। लेकिन उनको और वहाँ की जनता को समझाने में नेकचंद जी कामयाब रहे, और इस साम्राज्य को नाम दिया गया रॉक गार्डन, और उसको आम जनता के लिए खोल दिया गया। तो परिकल्पनाओं के संसार में आप देखेंगे कि पहाड़ पर एक छोटा सा गांव है जहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं। इन सभी घरों की जो छतें हैं वो मटके के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलाकर बनाई गई है, और इनसे पानी रिस रहा है। पहाड़ से जो पानी का रिसाव है वो आगे जाकर नदियों में मिल जाता है। रॉक गार्डन आज के टाइम में लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है, तो आप टाइम लेकर ही यहाँ पर आइएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाइएगा, लेकिन आपको देखने में जो अनुभूति होगी, जो एक्सपीरियंस होगा, वो मतलब अपने आप में एक अलग ही होगा। जिस भी जगह से आप गुजर रहे हैं, जिस जगह से आप मूव कर रहे हैं आगे की ओर, ये मत सोचिएगा कि आपको आज रॉक गार्डन को कवर करके यहाँ से निकल जाना है। वहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, देखिए कि क्या क्या क्रिएटिविटी को यहाँ पर दिखाया गया है। उस पर थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि वहाँ का क्या दृश्य आपको क्या मैसेज दे रहा है। इस समय हम जहाँ से चल रहे हैं वो भी टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, लेकिन उसको कितने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया गया है आप देख सकते हैं। और जगह जगह पर आप देखेंगे कि कितने सुंदर ये जो झरने गिरते हुए आपको दिख रहे हैं, ये वाकई एक नेचुरली जो वाटरफॉल होता है उसके जैसा आप दिख रहा है।
तो इस तरह की छोटी छोटी सी नदियाँ आपको रॉक गार्डन में देखने को मिलेगी। इसके किनारे से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए कितना सुंदर ये जो पेड़ है वो यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इस चीज़ को समझते नहीं है और पेड़ पर जाकर बैठ गए हैं, तो ये अपने आप में एक गलत बात है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। आप फोटोज़ लीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, लेकिन आपने क्या अच्छा देखा उसको ज़रूर दिखाइए, ना कि अपने आप को आप उस जगह पर अच्छा बनाकर दिखाएं। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका कि हमें एक सार्वजनिक प्लेस पर जाकर ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे जैसे रॉक गार्डन में हम आगे बढ़ते हैं तो एक छोटी सी गुफा से आपको जाना होगा, और उस गुफा से बाहर निकलते ही जो दृश्य है वो बहुत ही मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से सामने ही आपको जो झरना हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर मिला था, तो हम घूमकर आगे बढ़ते हैं, वो झरना हमें एकदम सामने से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये एकदम नेचुरली जो पेड़ हैं वो लगे हैं, लेकिन इसके आसपास जो क्रिएटिविटी दिखाई गई है उसकी जड़ों को बनाया गया, ये इस पेड़ की वास्तविक जड़ें नहीं है, उस पेड़ की जड़ों के साथ आर्टिफिशियल जड़ों का निर्माण किया गया। और देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ आपको इस रॉक गार्डन में देखने को मिलेंगे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आप रॉक गार्डन आते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही घर जाएंगे, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर आएँ और उनको दिखाएं कि किस तरह की यहाँ पर क्रिएटिविटी की गई है, और वो भी इससे प्रेरित होकर क्या कुछ कर सकते हैं। इतने इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद भी कुछ लोग नहीं समझते और दीवारों पर देखे कितना कुछ लिख दिया, जो कि एक गलत बात है, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रॉक गार्डन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लेफ्ट साइड में तो एक पक्की दीवार है, लेकिन राइट साइड में कोयले की जो दीवार है वो कितने आकर्षक तौर पर यहाँ पर इसको बनाया गया है। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कि एक स्टेडियम में हम एंटर करते हैं, उस तरह का फील आपको यहाँ पर आएगा कि आप किसी एक राज्यसभा में अंदर जा रहे हैं जहाँ पर कि एक राज्यसभा लगने वाली है। और जैसे आप इस एक ओपन से मैदान में जाएंगे तो आपको एक सिंहासन दिखेगा जहाँ पर कि कोई राजा बैठता है और वहाँ से अपनी सभा को संबोधित करता है। तो इसी सिंहासन की एक और देखेंगे कि बहुत सारे मंत्रीगण के लिए स्थान दिया गया है और दूसरी साइड दूसरे मंत्रियों के लिए स्थान दिया गया है। और इसके एकदम सामने आप देखेंगे कि एक ओपन सा एरिया है जहाँ पर कि प्रजा को बैठने के लिए स्थान दिया गया है। और इसी में और थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे चलने के बाद हमें दिखाई देगा एक सरोवर, मतलब कि देखने में फील आता है कि ये कोई सरोवर है, और जिसकी ऊंचाई राज्यसभा से थोड़ा ऊपर रखी गई है। और इसके पास जो चार दीवारी है वो कुछ इस तरह से की गई है कि इस सरोवर में स्नान करने वाला व्यक्ति राज्यसभा का भी आनंद ले सकता है, लेकिन राज्यसभा में जो व्यक्ति विशेष बैठे हैं वो उस सरोवर को नहीं देख पाए, तो उस हिसाब से इस सरोवर की हाइट को भी मेंटेन किया गया है। और रॉक गार्डन में हर एक दीवार, हर एक पर्दे का जो निर्माण है वो कुछ ऐसे मटेरियल से किया गया है जो कि किसी न किसी इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट है। ये जो दीवार है आप देख सकते हैं कि किसी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री से निकला हुआ वो मटेरियल है जो कि यहाँ पर लगाया गया है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सामने आता है एक छोटा सा कुआं। ये कुआं दर्शाता है कि इस गांव में जो स्त्रियां हैं वो इस कुएं से पानी लेकर जाती हैं, ऐसी एक इमेजिनेशन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस कुएं के सेंटर में आप देखेंगे तो एक छोटा सा एक गड्ढा दिखेगा, तो हम ऊपर से कोई भी विश करके एक कॉइन को इस कुएं में डालते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर वो कॉइन इस छोटे से गड्ढे में चला गया तो हमारी विश जो है पूरी हो जाएगी। तो या फिर कुछ लोग है कि चैलेंज के तौर पर सिक्के को डालते हैं कि देखिए कैसे ये सेंटर में जाके बैठता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिकल्पनाओं के इस संसार में इस कुएं को दर्शाया गया है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वहाँ से पानी भरकर लेकर जाती थी,
और पास ही में आपको इस तरह की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। परिकल्पनाओं और प्रकृति का जो अद्भुत मिलन है वो दर्शाता है इस रॉक गार्डन की नेचुरल ब्यूटी को। आप धीरे धीरे आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि छोटे छोटे कप प्लेट्स, जिसका कि हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको भी कितने अच्छे तरह से रॉक गार्डन में संजोया गया है। यहाँ पर देखेंगे ना, बहुत सारी प्लेट्स आपको दिखेंगी, बहुत सारे बाउल्स के टूटे हुए पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमें बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किए गए हैं। और छोटी छोटी सी प्रतिमाएँ जिनको कि तराशा नहीं गया है, खोजबीन करके लाया गया है। और देखिए, आप यहाँ पर देखिए, छोटा सा हीटर की एक प्लेट है जिसको कि हम ख़राब हो जाने पर फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज़ किया गया है। रॉक गार्डन में आप आगे चलेंगे तो एक राज्यसभा से हम बाहर निकले हैं, उसके बाहर देखेंगे तो किस तरह से सेना के जो हाथी घोड़े हैं उनको दिखाया गया है कि किस तरह से वो यहाँ पर कतारबद्ध यहाँ पर खड़े हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको मध्यम श्रेणी के व्यक्ति यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और रॉक गार्डन के हर दरवाजे से आपको झुककर ही आगे निकलना होगा, क्योंकि रॉक गार्डन तो यहाँ की सरकार ने इसको नाम दिया, लेकिन नेकचंद जी की परिकल्पनाओं में ये एक किंगडम ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस था। तो आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि हर एक एज ग्रुप से यहाँ पर लोग आ रखे हैं, और किस तरह से अपने परिवार के साथ वो इस कल्पना रूपी संसार का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है कि एक और राज्यसभा है, राजा किस तरह से प्रजा को चला रहा है, सभा को संबोधित कर रहा है, उसी के दूसरी साइड एक मध्यम वर्गीय जो प्राणी है वो किस तरह से अपने जीवन शैली को जी रहा है, किस तरह कुओं से महिलाएं पानी को लेकर जाती हैं। और कहीं ना कहीं ये एक पुरुष प्रधान देश को भी दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो एक रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर छोटे छोटे से बहुत सारे दरवाजे जिनका जिक्र मैंने पीछे वीडियो में भी किया, मैंने इनको काउंट तो नहीं किया, लेकिन जब आप यहाँ पर आएँ तो इनको काउंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कितने दरवाजे आपको देखने को मिले। और अगर आप चंडीगढ़ आ रहे हैं तो आप रॉक गार्डन तो ज़रूर आइएगा। और देखिए, हम थोड़ा सा आगे निकले तो मेरे पीछे की साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बंदरों की फौज बनाई गई है, और उसके दूसरी तरफ दिखाए गए हैं मध्यम वर्गीय प्राणी। मतलब ये एक अलग सा एक कॉम्बिनेशन है जिसको कि आप इमेजिनेशन से कनेक्ट करेंगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई स्टोरी यहाँ पर मिलने वाली है। हर एक तस्वीर, हर एक मूर्ति के पीछे अपनी यही एक स्टोरी बनी हुई है। तो आप इस मूर्ति को देखिए, यहाँ पर देखिए जो टूटी हुई चूड़ियाँ होती हैं उनसे इसको ड्रेसअप किया है, मतलब इसकी ड्रेस जो है उनसे बनाई गई है। तो मतलब कहने का यह है कि चाहे घर की छोटी टूटी हुई वेस्ट चीज़ क्यों ना हो, या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री से निकला हुआ कोई भी वेस्ट क्यों ना हो, आप उसको कितने अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप किसी अच्छी चीज़ को ख़राब मानते हैं या ख़राब चीज़ को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको दर्शाता है ये रॉक गार्डन। रॉक गार्डन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा खुलता जाएगा, और सीधा कनेक्ट होने लगेगा नेकचंद जी की उस परिकल्पना से जो उन्होंने कभी बहुत पहले देखी थी। एक अलग ही साम्राज्य था, छोटी सी दुनिया थी, जहाँ पर एक वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करके आप उसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वेस्ट को कैसे बेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सभा से हम बाहर आए तो आपको छोटे छोटे से सिपाही देखने को मिलेंगे कि वो अपने जो घोड़े हैं, रथ हैं, उन पर वो छोटे छोटे से सिपाही कैसे सवार हैं, कैसे अपने हथियारों के साथ वो यहाँ पर सजग हैं। चलिए आगे चलते हैं। रॉक गार्डन का थर्ड फेज आता है जिसको कि इनॉग्रेट किया था श्री रमेश चंद जी ने, और ये आज की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए इस थर्ड फेज का निर्माण किया गया। वहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर सी आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, तरह तरह के झूले मिलेंगे, तरह तरह के आर्ट, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी आकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
साथ ही साथ यहाँ पर एक डॉल म्यूजियम है जिसमें कि डॉल्स को दिखाया गया है और उससे बताया गया है कि आपकी जीवन शैली कैसी है। यहाँ पर नेकचंद जी की एक अपील भी है कि आप रॉक गार्डन को सुंदर रखिए और उन पर आधारित जो कुछ चीज़ें हैं उनकी रेट लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है, अगर आप उसको लेना चाहेंगे तो उसी अपील के चलते हमने यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है उसको डस्टबिन में ही फेंका है। तो आप जहाँ पर भी जा रहे हो उस एरिया को साफ रखें, सुंदर रखें, स्वच्छ रखें। रॉक गार्डन से बाहर आकर आप बच्चों को टॉयज दिला सकते हैं, वहाँ पर लगे फास्ट फूड की ठेलियों पर फास्ट फूड का आनंद उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी रॉक गार्डन पर आधारित एक छोटी सी प्रस्तुति। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलूँगा अगली किसी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।